हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का हम जो वर्ड मीनिंग साइनोनियम को उसको क्या करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह के बारे में देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला स्क्वेल्ड, स्क्वेल्ड मतलब होता है गंदा, क्या होना गंदा डर्टी, तो इसका एंटोनियम क्या होगा क्लीन, क्लीन मतलब क्या होता है साफ एंड सुथरा, साफ सुथरा प्योर, क्या बोल सकते हैं प्योर साफ सुथरा। सबमिसिव मतलब क्या होता है आज्ञाकारी, सबमिसिव मतलब आज्ञाकारी। स्टबर्न, स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, क्या होता है साथियों जिद्दी। न्यूमरस, न्यूमरस मतलब एस, न्यूमरस मतलब होता है पर्याप्त, स्कार्स मतलब क्या होता है कमी, स्कार्स मतलब क्या होता है कमी। नॉलेज मतलब क्या होता है ज्ञान, इग्नोरेंस नॉलेज ज्ञान, इग्नोरेंस करना किसी को। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट मतलब होता है डिफरेंट, डिस्पैरेट मतलब होता है भिन्नता। सिमिलर मतलब होता है समान, एक समान। कंप्रिहेंसिव मतलब होता है जो मेल मिलाप हो, जो। रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है किसी पर बैन लगाना, रेस्ट्रिक्शन करना, बैन लगा देना। कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक होना मतलब मिलजुल कराना, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है मिलनसार। रेस्ट्रिक्शन मतलब जिस पर पाबंदी है, रेस्ट्रिक्शन है पाबंदी। डैश, डैश मतलब किसी को निराशा करना। इनक्रेज मतलब किसी को उत्साह उत्साह उत्साहित करना, उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना किसी को। फर्टाइल, फर्टाइल मतलब क्या होता है उपजाऊ। फर्टाइल मतलब बैरन मतलब क्या होता है बंजर। अक्यूट, अक्यूट मतलब होता है शार्प तेज चालाक। ब्लंट मतलब क्या होता है भोथर, 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 भोथर। कॉमिक मतलब होता है हास्यास्पद, ट्रेजिक। कॉमिक मतलब क्या होता है हास्यास्पद, हास्यास्पद, कॉमिक, जैसे कॉमिक आता है जो क्या हो हास्यास्पद हो। ट्रेजिक मतलब होता है विपद, दुख, दर्द, ट्रेजिक सिचुएशन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम आपको बता देते हैं। ट्रेजिक मतलब होता है दुखद, भयंकर। इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव मतलब क्या होता है जो महंगा नहीं हो, जो महंगा नहीं हो, जो एक्सपेंस, इनएक्सपेंसिव मतलब जो महंगा नहीं हो, यानी सस्ता कह सकते हैं, महंगा नहीं हो तो क्या है जो सस्ता होगा, तो सस्ता बोल सकते हैं। तो डियर मतलब होता है एक्सपेंसिव, जो क्या हो महंगा हो। फ्लैक्चुएट करना मतलब बॉल कभी कभी फ्लैक्चुएट करना, मतलब एक समान में नहीं रहना। स्टेबलाइज, स्टेबलाइज मतलब स्थिर रहना। फ्लक्चुएट मतलब अस्थिर रहना। डिस्पर्स मतलब होता है बिखराव, बिखरना, बिखराव, बिखरना। गैदर मतलब क्या होता है इकट्ठा होना। ग्लूमी मतलब होता है सैड, दुखी। ग्लूमी सैड, उदास होना। मेलनकोली भी बोल सकते हैं। उदास। ब्राइट मतलब खुशी, कैसे इम्पार्शियल, जिसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं हो, निष्पक्ष बोलते हैं। और बायस्ड मतलब पक्षपात करना, क्या करना पक्षपात करना। हिडन मतलब क्या होना छिपाना, छिपाना, छुपाना। अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट,
लिसीड, क्लियर। गुडविल मतलब होता है अच्छा, गुडविल मतलब क्या होता है अच्छा, हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है शत्रुता, एनिमिटी। करेंट मतलब होता है वर्तमान, अभी का लेटेस्ट। पास्ट मतलब बीता हुआ। फैमिलियर मतलब होता है परिचित। स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी, अजनबी। कॉशियस मतलब होता है सावधान, सावधान, सतर्क। नेग्लिजेंट मतलब होता लापरवाह। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है शांत करना, ट्रैंक्विल मतलब पैसिफाई करना, काम, काम। अस्ट्रोमी मतलब होता तूफान। लिंगर, लिंगर मतलब क्यूकन, क्यूकन मतलब लिंगर, लेट करना, डिले करना। क्यूकन जल्दीबाजी करना, जल्दी में करना। हैस्टी मतलब जोवियल, जोवियल मतलब डिलाइट, खुशी, जॉय। खुशी। ग्लूमी मतलब क्या होता है सैड, उदास, दुख। रिलैक्स्ड मतलब आराम से, रिलैक्स पोजीशन में। टेंस मतलब तनाव में। स्टीप, स्टीप मतलब क्या होता है रुकड़ा, फ्लैट होना, रफ बोल सकते हैं, स्टीप, टेढ़ा बोल सकते हैं, तिरछा बोल सकते हैं। कन्फ्रंट मतलब सामना करना, कन्फ्रंट मतलब क्या होना सामना करना। तो अवॉइड मतलब क्या होना बचना। क्यूल मतलब शांत, एजिटेट करना, उकसाना, हड़काना, भड़काना। इल्यूशन मतलब भ्रामक, रियलिटी मतलब वास्तविक। अलग डिमनिश मतलब काम, तो इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ाना। कोर्स मतलब क्या होता है रफ, स्मूथ मतलब चिकना। नोटोरियस मतलब कुख्यात, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध। बोस्टियस मतलब हल्ला, कोलाहल। पीसफुल मतलब शांत। फिजिबल मतलब प्रैक्टिकल, इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉज फिजिबल जिसको व्यवहार में लाया जा सके, इम्प्लॉजिबल हो। कटल मतलब कटौती करना, एनलार्ज मतलब बढ़ाना। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, क्लियर मतलब अस्पष्ट। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, रैपिड मतलब तेजी से। कंसेंस मतलब चिंतित, डिसएग्रीमेंट असहमति। जो डिसएग्रीमेंट हो, डिस्टेंट मतलब दूर, क्लोज मतलब नज़दीक। बेटर मतलब बेस्ट, तो वर्स मतलब खराब। हारमोनी मतलब पीस, स्ट्राइफ मतलब जो हारमोनी नहीं है, जो क्या हो पीसफुल नहीं है, जो क्या हो हुड़दंग करता हो, जो स्ट्राइप मतलब कला। फैसिलेट मतलब होना सुविधा, हिंडर मतलब बाधा। एफ्लुएंस मतलब प्रचुर, पॉवर्टी मतलब गरीब। इलिस मतलब अवैध, तो लॉफुल, कानून। अप्लॉड मतलब प्रशंसा, क्रिटिसाइज मतलब क्या करना किसी को, क्रिटि आलोचना करना। कंजस्टेड मतलब होना मतलब कि एक ही जगह पर बहुत सारे पार्टिकल हो, कंजस्टेड होना। क्लियर मतलब साफ सुथरा। ट्रीचरस मतलब क्या होना, धोखा देना, किसी को धोखा देना। फेथफुल मतलब क्या होना, विश्वसनीय होना। अबंडेंस मतलब प्रचुर, स्कॉर्स मतलब कमी। इनफेलिएबल मतलब इनफेलिएबल, इम्परफेक्ट, जिसको किसी तरह का दोष नहीं हो, इम्परफेक्ट, जो इम्परफेक्ट हो। अचूक बोल सकते हैं। अभी रिवार्ड मतलब किसी को अवार्ड देना, पनिश करना, दंड देना। डिफेक्ट मतलब कमी। अबंडेंस मतलब प्रचुर। ऑसम मतलब होना अमेजिंग मतलब सरप्राइज। ऑसम मतलब होना बहुत बढ़िया, अमेजिंग मतलब सरप्राइज।
अगला एनिमोसिटी, मतलब एनिमोसिटी दुश्मनी, बेनोबलेंस उदार, एम्पथी, एम्पथी मतलब सहानुभूति, एपथी मतलब दैन, एपथी उदासीनता, लैकडिस्कल एंथुसियास्टिक मतलब क्या होता है, ये लैकडिस्कल मतलब होता है निरुत्साहित, एंथुसियास्टिक मतलब उत्साह, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी, पेंडोमोनियम मतलब कोलाहल, हारमोनी मतलब पीस, पिकेंट मतलब ब्लैंड, ब्लैंड मतलब बेस्वाद, पिकेंट मतलब स्वाद, प्रीडेसेसर सक्सेसर पहले, टर्बुलेंट पीसफुल, टर्बुल मतलब जो जिसमें उद्दंडता, पीसफुल है जो शांत नहीं हो, बोल्ड करेज, टिमिड डरपोक, एमेसिएटेड फैट, एमेसिएटेड मतलब पतला, स्पार्स मतलब कम, स्पार्स स्पार्स मतलब विरल, अबंडेंट मतलब प्रचुर, डेवलप्ड करना, बैकवर्ड, नॉर्मल, स्ट्रेंज, ओबीसी मतलब फैन, थिन मतलब पतरा, कंपैशन तो मीननेस, कंपैशन मतलब क्या होता है करुणा तो मीननेस, मीननेस मतलब दरिद्र बोल सकते हैं, वाइड स्प्रेड फैला, लिमिटेड मतलब सीमित में, अक्यूज मतलब दो दोष से अक्यूज करना, डिफेंड करना, रान मैच्योर मतलब नौ सीखा, प्रोफेशनल होना, एरिड मतलब बंजर, फटाल उपजाऊ, इंटेंशनल मतलब जो जानबूझकर करता हो, एक्सीडेंटल जो अचानक अपने आप होना, इंसिड्यूस तो सिंसियर होना, इंसिड्यूस मतलब नॉट सिंसियर, अडेप्ट मतलब अडेप्ट करना, अडेप्ट करना तो इनेप्ट हो जाएगा, अडेप्ट मतलब निपुण, तो इनेप्ट मतलब अकुशल, रेकलेस मतलब लापरवाह, कॉशियस मतलब सावधान, एंड्योरेंस मतलब टिकाऊ, इंडोलेंस आलसी, मोर्टेलिटी मतलब मरणशील, बर्थ मोर्टेलिटी, डिस्कार्ड तो अडॉप्ट करना, डिस्कार्ड करना, ब्लंट तो किसी का शार्प करना, इनेंट मतलब अक्वायर्ड, टर्बिड मतलब क्लियर, टर्बिड करना, अवेयर मतलब इग्नोरेंट, अवेयर करना, इग्नोरेंट करना, रेप्रीमेंड मतलब डांटना, रिवार्ड करना, कंपाइल करना किसी को, पोज करना, बेसिस मतलब उल्लंघन करना, कमेंड मतलब प्रशंसा करना, सगेसियस मतलब इग्नोरेंट मतलब अनवेग, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं सगे से, अडोर्न, अडोर्न करना, सजाना, डिसफिगर करना, सॉगी मतलब होता है क्या चीज, बेच, गीला, ड्राई मतलब सूखा, फ्रेल, फ्रेल कमजोर, रॉबस्ट मतलब मजबूत, कल्पेबल मतलब निंदनीय, इनोसेंट मतलब निर्दोष, च्यूबरस मतलब क्या होता है, क्वाडर ब्रेवरी बहादुर, क्वाडरली मतलब होता है डरपोक, एक्सक्लूडेंट मतलब होता है जो खुशी, डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है जो दुखी में हो, एक्सोडियस मतलब बाहर जाना, अराइवल मतलब पहुंचना, क्यूसेंट, क्यूसेंट तो एक्टिव, क्यूसेंट मतलब क्या होना आलसी, भिसियस, भिसियस मतलब दोस्त, तो भक्टुअस मतलब क्या होना वर्चुअस, वर्चुअस मतलब क्या होना किसी के जो वर्चुअस होना, वर्चुअस मतलब विजया ही बोल सकते हैं, वर्चुअस धार्मिक बोलते हैं, वर्चुअस मतलब क्या होता है साथियों धार्मिक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ग्रोटिक किस मतलब विचित्र, अट्रैक्टिव, नेटिव मतलब जो देसी हो, फॉरिन मतलब विदेशी, रिपल्सिव तो इसका एंटोनिम मतलब अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, ग्रीना, असिस्ट मतलब किसी को क्या करना, सहायता करना, अब्स्ट्रैक्ट मतलब बाधा, इंडस्ट्रियल मतलब मेहनती, लेथार्जिक मतलब आलसी, मैलिस मतलब जो अच्छा नहीं हो, गुडविल मतलब अच्छा, फॉल मतलब गंदा, फेयर मतलब अच्छा,
परस्यूड करना, किसी को मनाना, डिस्यूड करना, रियर मतलब बैक, तो फ्रंट आगे, मेलो मतलब हार्ड, हार्ड मतलब कड़ा, मेलो मतलब पीछे, इमर्ज करना तो डिसअपीयर, ह्यूमन मतलब मानवीय, क्रूअल मतलब निर्दयी, एक्सटॉल मतलब प्रशंसा करना, सेंसर मतलब निंदा करना, सर्विलांस मतलब जैसे बोलते हैं ना यू आर अंडर सर्विलांस, अपने के लिए आप क्या हैं, आप कैमरे की नज़र में हैं, तो नेगलेक्ट करना, डिमोलिश मतलब डिस्ट्रॉय, कंस्ट्रक्ट मतलब बलाना, इंगिमा मतलब पहेली, क्लैरिटी मतलब स्पष्ट, रिजर्व मतलब जो रिजर्व करके रखना, मतलब अपनी बात को ज़्यादा नहीं बोलना, फ्रेंडली मतलब जो खुला होना, डिसल्यूज मतलब एंथुसियास्टिक मतलब होना, उत्साही, डिसल्यूज मतलब हतोत्साहित, टिमिड मतलब डरपोक, बोल्ड मतलब करेज, मैलिगेंट मतलब होता है मैलिगेंट, मैली क्या है साथियों, मैली मैलिगेंट मतलब होता है घातक, मैलिगेंट मतलब घातक होता है, मैलिगेंट मतलब क्या होता है घातक, और बेनिगिन मतलब होता है मे, इसका मतलब लिख लीजिएगा, मैलिगेंट मतलब क्या होता है घातक, और इसका मतलब होता है थी गुड, अच्छा, बेनिगेन मतलब अच्छा, गुड, डाइवर्स मतलब विविध, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, अल्ट्रिस्टिक मतलब परोपकारी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, डिस्क्लोज करना, कंसील मतलब छिपाना, मेट्रोपोलिटियन मतलब शहर वाला, प्रोविंस मतलब क्षेत्र, एक्सटेंसिव तो इंटेंसिव, अब्रिवेट मतलब संक्षिप्त रूप, एक्सपेंड मतलब फैलाना, मेडल करना किसी को, इग्नोर करना, मेडल मतलब एक साथ करना, रिफ्यूल मतलब रियूफुल मतलब रिमॉर्स, पछतावा, तो जॉयफुल, प्रीम, प्रीम मतलब साफ, प्रीम मतलब साफ, तो डिसहेबल, डिसहेबल, प्रीम मतलब साफ, गंदा, तो डिसेबल्ड मतलब गंदा, डिसेबल्ड मतलब गंदा, जो साफ नहीं हो, एक्सेल करना, वायु को बाहर निकालते, इनहेल करना, अर्थी, सांसारिक, सेलेस्टियल, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, क्लियर, अस्पष्ट तो क्लियर होगा, वर्सेटाइल, बहुमुखी, प्रतिभा, इनफ्लेक्सिबल, न्यूबिलस, क्लियर हो जाएगा, नेबुलस मतलब अस्पष्ट, क्लाउडी, अस्पष्ट, ट्रांसपेरेंट, पैलेसिट मतलब शांत, एनरेज मतलब गुस्सा, प्लॉसिबल मतलब अनलाइकली, प्लॉस मतलब व्यवहारिक, अनलाइकली, कैजुअल, तो प्लांड, टेम मतलब जो पालतू, अपसेट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, कंसीड मतलब किसी का साथ देना, मेस्ट्रो मतलब जो क्या है, जो मैच्योर है, जो निपुण है, जो मास्टरी किए हुए, जो मतलब नॉलेज है जिसके बारे में, अमेच्योर मतलब सीखा, अनवर्दी, डिजर्विंग, अनवर्दी मतलब क्या होगा, अनवर्दी, नालायक, अनवर्दी मतलब डिजर्विंग, जो डिसर्व करता हो, नालायक नहीं, अंड बेनोवेलेंट, उदार, स्टिंगिंग मतलब कंजूस, कॉन्स्पिकसियस मतलब ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, कॉन्स्पिकस मतलब अस्पष्ट, स्कैड मतलब पवित्र, प्रोफेन मतलब अपवित्र, कॉन्स्पिकस मतलब अस्पष्ट, कॉन्स्पिकस, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, सुस्पष्ट, सुदृश, विशेष, पेरिस करना, ग्रो करना, पेरिस मतलब एक जगह स्थिर रहना, ग्रो करना, रिवर्ड मतलब डिस्पाइस, डिस्पाइस, रिवर्ड मतलब श्रद्धा, रिवर्ड मतलब श्रद्धा, श्रद्धा करना, तो डिस्पाइस करना, डिस्पाइस मतलब तुच्छ, डिस्पाइस मतलब क्या होता है साथियों, तुच्छ, नफरत, घृणा, तिरस्कार, निंदा, डिके होता है, ग्रोथ करना, कैंडिड, फ्रेंक, ड्यूबियस मतलब धूल चला, कन्वीनियंस, हिंड्रेंस, बाधा, अगला है
परसिवरेंस लगातार इनस्टेबिलिटी मैनिफेस्ट तो डिस्गाइज करना क्रूशियल निर्णायक ट्रिबल तुच्छ एंडोर्स लिप्त एंड रिनाउंस मतलब निंदा करना ग्रेजुअली अब्रप्टली अबोमिनेबल तो डिलाइटफुल टेम्पररी लास्टिंग बोलोटो डिफ्लेक्टेड अलाइव मतलब जिंदा डेड मरण फर्टाइल तो बैरन बॉम तो कोल्ड फीवल तो स्ट्रांग फ्लो तो परफेक्शन स्वाप तो रीड मतलब सब रीड डेफिशिएंसी कमी एक्सेस अधिक डाइवर्ज तो कलेक्ट डिफाइल तो एलिवेट एक्सपेल करना अब्जॉर्ब करना मस्टर तो डिस्पर्स रिवाइव तो रियून करना बर्बाद करना डिस्ट्रैक्ट करना तो क्लैरिफाई करना डिप्रिडेशन मतलब कंस्ट्रक्शन मेनैक मतलब कंफर्ट इग्नोरेबल मतलब डिग्निफाइड फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड स्कॉर मतलब निंदा प्रेस मतलब प्रशंसा इलेवन मतलब डिसहर्टन करना बर्सन मतलब बेहतर करना इम्प्रूव सुधारना डिसमे तो ग्लैडन फ्रीड तो इम्प्रेसिंग डिस्प्यूट तो क्वारल काम तो एक्साइटेड एक्सटेंड तो लिविंग पेल ब्राइट एडजसेंट डिस्टेंट फॉरलॉन इलाइटेड खुश एक्सेप्टेड करना रिजेक्ट करना पॉइंट करना डिसमिस करना फोरसाइट मतलब इंडिस्क्रिशन एक्सेप्शनल ऑर्डिनरी डिजेक्टेड करना किसी को चीयरफुल करना हॉरेंडियस तो प्लेजेंट डिस्क्रीट हीडलेस फ्लॉन्ट तो कवर डिग्निफाइंड तो ऑर्डिनरी टायरसम एनर्जाइज एस्टेब्लिश करना डिस्ट्रॉय करना वॉलेंट्री तो मैंडेटरी स्पेकुलेट तो डिसमिस करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं साथियों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें।